हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरत जहानरिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेक एक फन फिक्शन फोर्थ कॉन्टैक्ट मैरिज विद कॉलेज बैड बॉय के पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जोंगकुक मिस्टर किम से कहता है, शादी करने से पहले मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। मिस्टर किम कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मेरा बेटा अभी कंट्री में नहीं है। जोंगकुक, मैं तुम्हारे मादर के ट्रीटमेंट के लिए मनी देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? और तुम मुझ पर भरोसा करके मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे? जोंगकुक कहता है, या फॉर श्योर सर। लेकिन मिस्टर किम कहता है, बैठो। जोंगकुक सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। मिस्टर किम उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है, क्यों और किस लिए वो चाहता है कि जोंगकुक मिस्टर किम के सन से शादी करे। जोंगकुक सब कुछ सुनने के बाद कहता है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे मादर के ट्रीटमेंट के लिए मनी देने वाले हो, लेकिन अगर आपके सन को इस शादी से कोई प्रॉब्लम हुआ, तो अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश किया, तो तब मैं कहाँ जाऊँगा? मिस्टर किम कहता है, डोंट वरी, ये शादी सिर्फ 2 साल के लिए है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम मेरी, और तुम्हें ये ड्रामा सिर्फ 2 साल तक कंटिन्यू करना है। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हर एक ड्रीम को फुलफिल करने में मदद करूँगा। शादी के वजह से तुम पर कोई दबाव नहीं डालेगा, तुम जो करना चाहते हो फ्रीली तुम कर सकते हो। और जब एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। तुम कंपनी में बहुत ही हाई पोजीशन में वर्क करोगे और तुम अपने मादर के भी अच्छे से ख्याल रख पाओगे। जोंगकुक समझ जाता है कि मिस्टर किम उससे क्या चाहता है, और उसे भी अपने मादर के लिए मानी चाहिए था, इसीलिए जोंगकुक तेयांग से बिना मिले शादी के लिए मान जाता है। जोंगकुक कहता है, ठीक है, मैं शादी के लिए एग्री हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्टैक्ट मैरिज होगा, इससे ज़्यादा नहीं। मिस्टर किम कहता है, तो फिर ठीक है, आज ऑफिस के बाद मेरे लिए इंतज़ार करना, मैं तुम्हें अपने साथ मेंशन लेकर जाऊँगा, फैमिली के हर एक मेंबर से इंट्रोड्यूस कराना है तुम्हें। जोंगकुक ठीक है कहकर ऑफिस केबिन से बाहर आ जाता है। जोंगकुक अपने केबिन में बैठकर वर्क कर रहा था, तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। जोंगकुक कॉल पिक करके कहता है, क्या मॉम ठीक है? डॉक्टर कहता है, क्या तुम अभी हॉस्पिटल आ सकते हो? जोंगकुक ठीक है कहकर कॉल कट कर देता है। जोंगकुक जल्दी से हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर से मिलने उनके केबिन में आ जाता है। डॉक्टर कहता है, प्लीज़ सीट, तुम बैठ जाओ। डॉक्टर स्माइल करके फिर से कहता है, डोंट वरी, अब वो खतरे से बाहर है, एक हफ्ते के बाद हम तुम्हारे मादर के ऑपरेशन शुरू कर देंगे, अब तुम जाकर अपने मादर से मिल सकते हो। जोंगकुक डॉक्टर को थैंक यू बोलकर अपने मादर से मिलने वार्ड के अंदर जाने ही वाला था, तभी वो मिस्टर किम को वार्ड के बाहर देखकर सरप्राइज हो जाता है। जोंगकुक कहता है, सर आप यहाँ? मिस्टर किम कहता है, अब तुम्हारे मॉम कैसे हैं? जोंगकुक कहता है, थैंक यू सर, अब मॉम बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरे मॉम की ट्रीटमेंट के लिए हेल्प किया। मिस्टर किम कहता है, तुम अपने मादर से मिलने जा रहे हो है ना, तो क्या तुम अपने मादर से अपने होने वाले फादर इन लॉ का इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? मैं चाहता हूँ तुम ये शादी अपने मॉम को बताकर करो, उन्हें बताओ कि मैं तुम्हारे फादर इन लॉ बनने वाला हूँ, और एक दिन बाद तुम मेरे सन किम तेयांग से शादी करने वाले हो। जोंगकुक कहता है, हाँ ये ठीक है। जोंगकुक मिस्टर किम को अपने मादर से मिलाने के लिए वार्ड के अंदर लेकर आता है। जोंगकुक अंदर आकर अपने मॉम को हक करके रोने लगता है। मिसेस जियोन उसके बैग पर हाथ फिराते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम रोना बंद करो। जोंगकुक आंसू साफ करके कहता है, मॉम अब जल्द ठीक हो जाओगे, डॉक्टर से बात हो गया है। मिसेज जियोन कहती हैं, ठीक है अब तुम शांत हो जाओ,
तभी मिसेज जियोन वार्ड के अंदर मिस्टर किम को देखकर पूछती हैं, कुक ये कौन है? जोंगकुक कहता है, मॉम। तभी मिस्टर किम कहता है, हेलो मिसेज जियोन, मैं आपके सन के फ्यूचर फादर इन लॉ हूँ। ये सुनकर मिसेज जियोन के आंखें वाइडन हो जाता है और वो अपने बेटे की ओर देखकर डिसबिलीव के साथ कहती है, फादर इन लॉ, ये सब क्या है कुक? तुम शादी कर रहे हो और तुमने ये बात अपने मॉम को बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की, और तुम्हारे कोई बीएफ भी है। तुम कब से उस लड़के के साथ डेट कर रहे हो? तुम मुझे कब बताने वाले थे? जोंगकुक कहता है, मॉम मैं आपको जल्द ही बताने वाला था। ये है मिस्टर किम, मेरे बॉस, मैं उनके ऑफिस में ही काम करता हूँ और आज आप उनके वजह से ही ठीक हो। मेरे बॉस ने ही आपके लाइफ को सेव किया है, मिसेस जियोन कहती है। ओह, तो आज मैं इनके कारण जिंदा हूँ। थैंक यू सर, मिस्टर किम कहता है। थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, अब हम एक फैमिली बनने वाले हैं। एक्चुअली जोंगकुक आपसे कुछ भी हाइड नहीं किया, मुझे आपके सन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं चाहता हूँ वो मेरे वन एंड ओनली सन किम तयंग से शादी कर ले। किम तयंग नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जोंगकुक मन ही मन सोचता है। किम तयंग, क्या ये वही किम तयंग तो नहीं है ना जो कॉलेज में मुझे बुली करता था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वो किम तयंग नहीं हो सकता, आई होप के वो ना हो, मिसेस जियोन कहती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद मैं आपके बेटे से मिलना चाहती हूँ, मिस्टर किम कहता है। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, आपको कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कल जोंगकुक और तयंग की शादी है और मैं चाहता हूँ ये शादी सबके प्रेजेंस और ब्लेसिंग के साथ हो, मिसेस जियोन कहती हैं। कल एक कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है? इतने जल्दी शादी के प्रिपरेशन कैसे होगा? मिस्टर किम कहता है, मैं सब संभाल लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मिसेस जियोन अपने सन की ओर देखता है। जोंगकुक आंखों से इशारा करता है, मैं ठीक हूँ मॉम और मैं खुश हूँ, डोंट वरी। तभी कमरे के अंदर नर्स फूड ट्रे के साथ आकर कहती है, अभी इनका लंच टाइम है तो आप लोगों को अभी बाहर जाना होगा। मिस्टर किम कहता है, ठीक है, टेक केयर, कल मिलते हैं। ये कहकर मिस्टर किम वार्ड से निकल जाता है। मिस्टर किम के बाहर जाते ही मिसेस जियोन कहती है, बेबी या अपने मॉम के पास आओ, क्या तुम ये शादी से खुश हो? क्या शादी तुम्हारी मर्जी से हो रहा है? किसी ने तुम्हें शादी के लिए फोर्स तो नहीं किया ना? जोंगकुक कहता है, नो मॉम, मिस्टर किम बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं ये शादी अपने मन से कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इतना मत सोचो। नर्स, मॉम का ध्यान रखना। जोंगकुक अपने मॉम को हक कर उन्हें बाय बोलकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। अब जोंगकुक मिस्टर किम के साथ उनके कार के अंदर बैठा था। जोंगकुक को सैड देखकर मिस्टर किम उसे पूछ लेता है, व्हाट हैपेंड जोंगकुक, क्या तुमने अपने डिसीजन तो चेंज नहीं कर लिया है ना? जोंगकुक कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है मिस्टर किम। मिस्टर किम कहता है, तो फिर तुम सैड क्यों हो? अब तो तुम्हारे मॉम भी ठीक है, जल्द ऑपरेशन भी हो जाएगा, क्या तुम शादी के वजह से स्ट्रेस में हो? जोंगकुक कहता है, हाँ थोड़ा सा, और मैं मॉम के लिए भी परेशान हूँ। 2 साल बाद जब मॉम को पता चलेगा कि मेरे शादी सिर्फ एक कॉन्टैक्ट मैरिज था, तब क्या होगा? मिस्टर किम कहता है, हो सकता है बाद में तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की ज़रूरत ही ना पड़े और ये शादी एक कॉन्टैक्ट मैरिज से असली शादी बन जाए, और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम फ्री हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तब हम तुम्हारे मॉम को ये बोलेंगे कि तुम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, तुम दोनों के रिलेशन डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बनता जा रहा था, इसीलिए तुम दोनों डिवोर्स ले रहे हो। मिस्टर किम उसे अपने साथ किम मेंशन में लेकर आता है। कार जैसे ही मेंशन के अंदर एंटर करती है, गर्ट आकर कार के डोर ओपन कर देता है। मेंशन देखकर जोंगकुक के आंखें शॉक के वजह से वाइडन हो जाता है और माउथ लिटिल ओपन हो जाता है। महल की खूबसूरती को देखकर
उसके आंखें चमक रहा था। मिस्टर किम कहता है, लेट्स गो जोंगकुक। जोंगकुक अंदर जाने के लिए पहले थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। मिस्टर किम के फोर्स करने पर कुक उनके साथ अंदर आ जाता है। लिविंग रूम में एंटर करते ही सभी मेट्स और सर्वेंट मिस्टर किम को सिर झुकाकर ग्रीट करता है। गुड इवनिंग सर, मिस्टर किम कहता है। गुड इवनिंग, तभी तैयंग के मादर कहती है, हनी ए कौन है? मिस्टर किम कहता है, जोंगकुक ए है तुम्हारे मादर इन लॉ और तैयंग के डार्लिंग मॉम। यूना मीट जियोन जोंगकुक, हमारे फ्यूचर सन इन लॉ। मिसेस किम कहती है, व्हाट, क्या तुम सच बोल रहे हो? तैयंग का कोई बॉयफ्रेंड भी है तो उसने मुझे इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया? मिस्टर किम कहता है, क्योंकि उसे भी अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने उसे कॉल करके वापस आने के लिए बोला है। कल ही मैं इन दोनों का शादी करा दूंगा। मिसेस किम को भी जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मिसेस किम स्माइल करके कहती है, नाइस टू मीट यू बेटा। जोंगकुक कहता है, हेलो मैडम। तभी मिस्टर किम कहता है, जोंगकुक मैं चाहता हूँ अब से तुम हम दोनों को मॉम डैड कहकर बुलाओ। जोंगकुक हाँ मैं अपना सिर हिला देता है। मिसेस किम कहती है, ओ ये कितना क्यूट और ब्यूटीफुल है। बेबी कम हेयर, आई वॉन्ट टू हग माई बेबी बन। जोंगकुक थोड़ा शाई फील कर रहा था। मिस्टर किम कहता है, यूना काम डाउन, तुम अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल कर लो, उसे इस तरह से डराओ मत। जोंगकुक कहता है, नो इट्स ओके मॉम, आप बहुत अच्छी हैं। शी इज वेरी जेंटल एंड वेरी काइंड, आई रियली लाइक हर। मिसेस किम उसे हक कर उसके माथे पर चूमते हुए कहती है, आई लाइक यू टू माई बेबी। चलो डाइनिंग टेबल में जाकर बात करते हैं। जोंगकुक कहता है, लेट हो रहा है, मैं अब चलता हूँ। मिसेस किम कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कल तुम दोनों की शादी हो जाएगा और कल से तो ऐसे भी तुम इस घर में रहने वाले हो। मैं तो कहती हूँ तुम आज से यहाँ रहना शुरू कर दो। जोंगकुक के चेहरे को देखकर मिस्टर किम कहता है, योना उसे मेंटली शादी के लिए रेडी होने का मौका तो दो। मिसेस किम कहती है, ठीक है आई अंडरस्टैंड, लेकिन बिना डिनर के मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जोंगकुक तैंग के पेरेंट्स के साथ डिनर टेबल में बैठकर एक साथ खाना खाता है। अब जोंगकुक अपने घर पर है और बेड के ऊपर लेटकर आंखें बंद करके सोचने लगता है, पता नहीं वो देखने में कैसा होगा। मिसेस किम ने कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और टॉल है, अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो। जोंगकुक अपने थॉट पर ब्रेक लगाते हुए कहता है, मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ, मैं ये शादी सिर्फ अपने मॉम के लिए कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अलावा और कुछ भी नहीं है। 2 साल होते ही मैं उसे डिवोर्स ले लूँगा। नेक्स्ट डे मैरिज हॉल में जोंगकुक हाथ में फ्लावर बुके पकड़कर स्टेज पर खड़ा था। जोंगकुक सुबह से बहुत ही ज़्यादा नर्वस और टेंशन में दिखाई दे रहा है। नर्वसनेस के कारण उसका हाथ और पैर भी कांप रहा था। हर 2 मिनट के बाद जोंगकुक अपना हेयर्स और मेकअप फिक्स कर रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा पसीना भी आने लगता है। उसे पता है ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, फिर भी जोंगकुक चाहता है तैयंग के सामने उसका गुड इम्प्रेशन बने। जब तैयंग अपने फ्रेंड्स के साथ वेडिंग हॉल में एंटर करता है, तैयंग को देखकर जोंगकुक एक पल के लिए सांस लेना ही भूल जाता है। उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही किम तैयंग है जिसके वजह से वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। तैयंग यह सबके सामने सीन क्रिएट करने के लिए आया था ताकि उसे उस अनजान लड़के से शादी ना करना पड़े। और तो और तैयंग अपने साथ एक ब्यूटीफुल लड़की को भी लेकर आया है जिसे वो सबके सामने एज ए गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराने वाला था। लेकिन जब उसके आंखें स्टेज पर खड़े जोंगकुक पर पड़ता है, तैयंग के हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। उसके लिए होल वर्ल्ड जोंगकुक को देखते ही रुक गया था। तैयंग युंगी के तरफ देखकर इशारा करता है। युंगी उस बेला नाम की उस लड़की के पास आकर कहती है, बाहर चलो मेरे साथ, अभी यहाँ तुम्हारे कोई काम नहीं है। बेला कहती है,
लेकिन क्यों? तेयंग तो सबके सामने मुझे गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट करने वाला था ना, जॉब कहता है, और तुमने इसे सच मान लिया था। चलो अब निकलो यहाँ से। तेयंग और तुम कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, और दोबारा उसके आसपास देखने की हिम्मत भी मत करना, मिस्टर किम कहता है। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? तेयंग के आंखें अभी भी जोंगकुक को घूरने में बिजी हैं। तेई कहता है, फ्लाइट डिले हो गया था इसलिए तैयार होने का टाइम नहीं मिला, मैं सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आया हूँ, मिस्टर किम कहता है। ठीक है, जाओ जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। तेयंग भागते हुए ड्रेसिंग रूम के अंदर आ जाता है, क्योंकि जेहोप और नामजिन उसे फॉलो करते हुए वहाँ आ जाता है। जिन कहता है, जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे हो वो तो यहाँ तुम्हारे लिए वेडिंग स्टेज पर इंतज़ार कर रहा है, अब तो तुम बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे अंदर से, है ना? युंगी कहता है। तेयंग तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम खुश नहीं हो? तेयंग कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे और मेरे प्यार को रिजेक्ट कर दिया था, उसके लिए मैं उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा, उसी के वजह से मैं इतने सालों तक अपने घर से और अपने मॉम से दूर रहा, जेहोप कहता है। तो क्या तुम अब रिवेंज लेने वाले हो? जोंगकुक को लगा था तेयंग इस शादी से मना कर देगा, क्योंकि उसके वजह से उसे कंट्री छोड़कर एब्रोड जाना पड़ा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तेयंग तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। जोंगकुक के आँखें इस वक्त सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था कि तेयंग वेडिंग सूट में कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। फादर वेडिंग वाउस को रीड करता है, दोनों इसे रिपीट करता है, और इसके बाद एक दूसरे से वेडिंग रिंग भी एक्सचेंज कर लेता है। फादर दोनों को एज ए मैरिड कपल अनाउंस करके कहता है, अब आप दोनों किस कर सकते हैं। तेयंग के मन में तो इस वक्त हजारों लड्डू फूट रहे थे। जोंगकुक नर्वस और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और नीचे के तरफ सिर झुकाकर खड़ा था, तब तेयंग एक हाथ उसके कमर पर डालकर उसे अपने करीब खींच लेता है, और दूसरे हाथ जोंगकुक के चिन पर रखकर फेस थोड़ा ऊपर की तरफ करता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहा था। जोंगकुक के हैंड स्वीट से पूरी तरह काबर हो चुका था। तेयंग जोंगकुक के लिप्स के टेस्ट लेने के लिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था। तेयंग विदाउट वेस्टिंग टाइम जोंगकुक के लिप्स पर लिप्स स्मैश कर उसे किस करने लगता है। जैसे ही तेयंग के लिप्स उसके लिप्स से टच हुआ, जोंगकुक अपना आंखें बंद कर लिया। इसे देखकर तेयंग किस के बीच में ही स्मार्क करता है। जोंगकुक किस ब्रेक करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। जोंगकुक तेयंग के चेस्ट पर हाथ रखकर उसे दूर पुश करके कहता है, डोंट टच मी, फिर से मुझे मार डालने का इरादा है। सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। डिनर ख़त्म होने के बाद मैरिड कपल कार में बैठकर मेंशन के लिए निकल जाता है। मेंशन पहुंचने के बाद मेट जोंगकुक को उसके बेडरूम में छोड़कर जाता है। जोंगकुक कमरे में आकर सूटकेस से क्लोथ निकालकर फ्रेश होने बाथरूम के अंदर आ जाता है। तेयंग जल्दी जल्दी में ऊपर अपने कमरे में जा ही रहा था, तभी मिस्टर किम कहता है, तेयंग एक मिनट रुको, मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। तेयंग कहता है, अभी नहीं डैड, अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, एब्रोड से सीधा वेडिंग हॉल, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला था, आई होप यू अंडरस्टैंड, मिस्टर किम कहता है। तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? जोंगकुक ही इज़ ए नाइस बॉय, वो अच्छा लाइफ पार्टनर बनेगा। तेयंग अचानक सीढ़ियों में रुककर डार्कली चकल करते हुए कहता है, क्या आपके पास प्रोटेक्शन है? एक्चुअली मेरे पास जितना था वो सारा यूज़ हो चुका है। तेयंग जानबूझकर अपने डैड से इस तरह के बात कर रहा था, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और इस तरह के बातें बोलकर ते उन्हें एम्बारेस करना चाहता था। मिस्टर किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह तेई पर अपना हाथ उठाने जाता है, तभी मिसेस किम बीच में आकर उन्हें रोकते हुए कहती हैं, तेई क्या तुम बात करने का मैनर्स भी भूल गए हो? तेयंग कमरे के अंदर आकर देखता है,
जोंगकुक को जो मिरर के सामने खड़े होकर ड्राई टॉवल से हेयर्स को ड्राई कर रहा था। मिरर में तेक को देखकर जोंगकुक घबराई हुई आवाज़ में कहता है, तुम यहाँ इस कमरे में क्या कर रहे हो? तेयंग कहता है, शायद तुम भूल गए हो, अभी तुम जहाँ खड़े होकर मुझसे बात कर रहे हो, ये मेरा ही कमरा है और मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ। थोड़ी देर पहले हमने सबके सामने शादी की है, ये कहकर तेयंग चलकर उसके करीब आने लगता है। जोंगकुक डरकर पीछे जाते हुए कहता है, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें अपने हस्बैंड नहीं मानता, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो तुम सोच रहे हो, इसीलिए मुझसे दूर रहो। तेयंग कहता है, रियली? लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, इसलिए एक्सक्यूज बनाना बंद करो और यहाँ मेरे पास आओ, मेरे पास बेड पर आकर लेटो। जोंगकुक कहता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था, मुझे तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोना होगा, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो वरना मैं चिल्ला दूंगा। तेयंग अचानक उसका हाथ पकड़ कर उसे बेड पर गिरा कर खुद उसके करीब आकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने हस्बैंड की बातों को डिजर्व करने की? अगर मैं चाहूँ तो अभी तुमसे वो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जो सिर्फ मेरा है। जोंगकुक कहता है, प्लीज़ लीव, हटो मेरे ऊपर से। तेयंग कहता है, क्या कहा तुमने? तुमने मुझसे शादी किसी कॉन्ट्रैक्ट के वजह से किया है, तब तो तुम्हारे कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगा। अगर तुमने मेरे बातों को डिजर्व करने की कोशिश की, मैं उसी वीकनेस को ख़त्म कर दूंगा। जोंगकुक एक पाल के लिए डर जाता है। जोंगकुक कहता है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना। तेयंग एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ कर कहता है, ये तो मैं बेड पर तुम्हारे आज रात की परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही डिसाइड करूँगा। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग स्टोरी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।